जब भृगु ऋषि देवताओं की परीक्षा ले रहे थे तब वो वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु को योग निद्रा में देख ऋषि को ये अपना अपमान लगा। इसी कारण भृगु ऋषि ने प्रभु के वक्षस्थल पर वार किया। इस अपमान के बाद भगवान विष्णु उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़कर उनको शांत करने लगे। पैर दबाते हुए उन्होंने ऋषि के अहंकार चक्षु को दबाया तो भृगु ऋषि को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी और प्रस्थान किया। परंतु भगवान विष्णु का यह व्यवहार माता लक्ष्मी को नहीं भाया, क्योंकि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर वार किया, जहाँ और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता श्री लक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण माता लक्ष्मी को ये विष्णु जी के साथ साथ अपना भी घोर अपमान लगा। क्रोध में आकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं। भगवान विष्णु उनको ढूंढते ढूंढते खुद भी धरा पर आए। वह श्रीनिवास रूप धरकर धरती पे आए। वह माता लक्ष्मी की तपस्या करने लगे। वह महालक्ष्मी के नाम जपने लगे। दूसरी ओर माता लक्ष्मी भी तप कर रही थी। जब भगवान श्रीनिवास के पास माता लक्ष्मी नहीं आई तो वह निराश होकर उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह वकुला देवी के आश्रम पहुँचे। वकुला देवी पूर्व जन्म में माता यशोदा थीं। इसी कारण वह श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनको अपना पुत्र मानती थीं। जब श्रीनिवास उनके आश्रम आए तो श्रीनिवास के अंदर उन्हें अपने बाल गोपाल दिखाई दिए। उन्होंने श्रीनिवास को रहने का स्थान दिया और वह दोनों माता पुत्र की भांति रहने लगे। एक दिन श्रीनिवास जंगल में भ्रमण कर रहे थे। दूसरी ओर आकाश राज की पुत्री पद्मावती देवी अपनी सखियों के संग पुष्प चुन रही थीं। पद्मावती देवी वेदवती देवी यानी कि छाया सीता थीं। उन्होंने श्री राम से यह वर मांगा था कि वह उन्हें भी पत्नी रूप में स्वीकार करें, परंतु एक पत्नी व्रत होने के कारण भगवान श्री राम ने उनको यह वर दिया कि वह कलयुग में उनसे विवाह करेंगे और कलयुग में देवी वेदवती पद्मावती देवी के रूप में जन्मी और भगवान श्री राम अपने श्रीनिवास रूप में प्रकट हुए। जब वह अपनी सखियों सहित पुष्प चुन रही थी तभी वहां अनेक गज आए और उनकी ओर दौड़ते हुए आने लगे। वह सब डर कर इधर उधर भागने लगीं। तभी वहां श्रीनिवास आए और माता पद्मावती ने डर के कारण भगवान श्रीनिवास का आलिंगन कर लिया। उसी क्षण से भगवान श्रीनिवास और माता पद्मावती दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। श्रीनिवास ने अपने प्रेम की बात माता वकुला देवी को बताई तो वकुला देवी ने कहा कि वह प्रयास करेंगी राजकुमारी से श्रीनिवास का विवाह कराने के लिए। तब तक श्रीनिवास एक हस्त रेखा शास्त्री के रूप में पद्मावती देवी के पास गए और उनसे कहा कि जिस व्यक्ति से वह वन में मिली थी वही उनका वर होगा और उनका हाथ मांगने कोई अति शीघ्र आएगा। उसके कुछ दिन बाद माता वकुला देवी ने पद्मावती माता का हाथ श्रीनिवास के लिए आकाश राज से मांगा। वह अपने राज पुरोहित और अन्य ऋषियों का परामर्श लेकर विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब वकुला देवी को धन की आवश्यकता थी तो वह श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के मंदिर पहुंची और स्वामी से सहायता मांगी। क्योंकि वह भगवान की भक्त थी इसी कारण वराह स्वामी ने सभी दिग्पालों कुबेर जी इंद्रदेव ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवताओं को बुलवाया। श्रीनिवास ने उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताया तो कुबेर जी ने उन्हें ऋण दिया और भगवान श्रीनिवास ने उन्हें यह वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक उनका सारा ऋण चुका देंगे। फिर भगवान श्रीनिवास और माता पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। नारद जी ने यह बात माता लक्ष्मी जो तप कर रही थी उनको बताई और माता लक्ष्मी क्रोधित होकर भगवान श्रीनिवास के पास गईं। वह ये सोच रही थी कि प्रभु अब उनका स्थान देवी पद्मावती को दे देंगे, परंतु सत्य में ऐसा नहीं था। भगवान श्रीनिवास को माता लक्ष्मी की कमी सदैव व्याकुल करती रहती थी और माता लक्ष्मी के आते ही भगवान श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनकी प्राण प्रिया लौट आई। उन्होंने माता पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों को एक दूसरे से परिचित कराया, परंतु दोनों में वाक्य युद्ध होने लगा
दोनों श्रीनिवास को अपना कहकर संबोधित करती और इसी बात पर बहस करती। यह देखकर भगवान श्रीनिवास ने एक मूर्ति का रूप धारण किया और अपने स्वामी को इस प्रकार देख दोनों माताओं ने भी मूर्ति का रूप धारण किया। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने लीला कर कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी का अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने इसमें उनकी पूरी सहायता की। और इसी प्रकार भगवान श्री राम ने देवी वेदवती को दिया हुआ वचन पूर्ण किया। जय पद्मावती वेंकटेश्वर, जय लक्ष्मी वेंकटेश्वर।